नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 18 जनवरी से भले ही शुरू हो गई हों, लेकिन अभी भी कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरा है। एग्जाम आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे ऐसे छात्र अब यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और अपना परीक्षा फॉर्म भरने की जुगत में लगे हुए हैं। खुद विश्वविद्यालय के अधिकारी ऐसे छात्रों को देखकर हैरान हैं जिन्होंने परीक्षा फॉर्म तक जमा नहीं किया था और परीक्षा चालू होने पर अब अपना फॉर्म जमा कराने के लिए अधिकारियों के पास लगातार पहुंच रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 18 जनवरी से शुरू हो गई हैं। पहले दिन का पेपर हो जाने के बावजूद अब भी कई छात्र लगातार यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना फॉर्म जमा कराने के लिए अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इंदौर देवी विद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के कक्ष के बाहर ऐसे छात्रों की लंबी लाइन लगी हुई है जिन्होंने समय रहते अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार चल रहे प्रदर्शनों और हाईकोर्ट में परीक्षाओं को निरस्त करने की याचिका दायर होने के बाद कई छात्रों ने अपना परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरा था। छात्रों को ये उम्मीद थी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। ऐसे में वे छात्र पहले दिन का पेपर देने से भी वंचित रह गए जिनकी परीक्षाओं का फॉर्म उन्होंने जमा नहीं किया था। हालांकि विश्वविद्यालय के द्वारा उन छात्रों के फॉर्म जमा कराने के लिए जरूर मदद की जा रही है जिनकी परीक्षाएं आने वाले समय में आयोजित होना है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि जिन छात्रों की परीक्षा हो चुकी है अब उनके फॉर्म जमा नहीं किए जा सकते, लेकिन ऐसे छात्र जिनकी परीक्षा में मात्र एक दिन ही बचा हो उनके भी फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और पुलिस भर्ती परीक्षाओं के कई पेपर एक ही दिन होने पर भी छात्रों को छूट दी जा रही है। ऐसे छात्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय बाद में आयोजित कराएगा। ऐसे कई छात्र भी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रखी है और एक ही दिन में उनके दोनों पेपर आयोजित हो रहे हैं। उन परीक्षाओं में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरना भूल गए हैं, तो आज जो जितने भी मैक्सिमम केसेस ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, हमें आश्चर्य होता है कि स्टूडेंट्स को हम 2 महीने का टाइम देते हैं एग्जाम फॉर्म भरने का, उसके बाद भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना है कि लोग अपना स्टूडेंट्स अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं एग्जामिनेशन का। पेपर में हमने कई बार पब्लिसाइज करा, मीडिया के थ्रू हमने उन्हें बोला कि हमारी एग्जाम होने जा रही है, तो हम जिनकी परीक्षाएं कल तक हैं इस छात्र इसमें हम उनको भी अलाउ कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, पर जिनकी परीक्षाएं आज हो चुकी है वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं। सर कुछ एग्जाम्स के डेट हो रही है तो इसको लेकर भी कुछ इश्यूज सामने। एग्जामिनेशन में जिनकी पुलिस भर्ती परीक्षा है वो वाले स्टूडेंट्स है, पुलिस भर्ती परीक्षा 1.5 महीने तक चलेगी। अब किसी स्टूडेंट्स की किसी भी दिन परीक्षा होती है तो हम उनसे एप्लीकेशन ले रहे हैं और माननीय कुलपति जी महोदया से हमने चर्चा करने के बाद में उनकी जो परीक्षा है जहाँ पे उनको क्लेश कर रही है, जैसा हम लोग कोविड के वालों के साथ करने वाले हैं, उनकी एग्जामिनेशन भी हम लोग उनके साथ में कंडक्ट करवा देंगे। सर कोविड के लिए नए सिरे से एग्जाम होगी, जो कोविड संक्रमित छात्र हैं आज कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें भी जो बच्चे आज इन एग्जाम्स में अपेयर नहीं हो पा रहे हैं उनको भी उस एग्जाम में, तो वो टाइम टेबल वगैरह वो कब आएगा या शेड्यूल कब? और वो अभी हमें न्यायालयीन प्रकरण का जो आज फैसला आया है उसकी हम पूरी हार्ड कॉपी आ जाए हम अध्ययन करके उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद में हम उसका नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। एक बार आदेश की प्रति हमें मिल जाए उसके बाद में उसका नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।